गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे यार, एकदम मजे में होंगे। और आज का ब्लॉग ना मेरा बहुत स्पेशल होने वाला है। मुझे ना अपना मेकअप करना है, मेकअप मतलब कि वो वाला करना है जो मुझे 26 जनवरी में कॉलेज में करना है। अपनी ड्रेस फिटिंग कराई है और सारा सामान मंगाया है मैंने कि उनको एक बार घर में पहन के देखती हूँ कैसे लगते हैं, उसके बाद मैं कॉलेज में, फिर मुझे और थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा ना कि जैसे मैं कॉलेज में कि मैं थैला भर के अपना सारा सामान लेके आई हूँ यहाँ, बल्ब लगाऊंगी, अपना पूरा सेटअप तैयार करूँगी और जाके अपना मेकअप करूँगी। और घर में तो सारी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं, यहाँ पर तो कुछ भी चीज़ व्यवस्थित नहीं है, बस कबाड़ा जैसा घर बस बना है। लेकिन मैंने यहाँ पर देखो अपना छोटा सा पार्लर बना लिया, ये बैकग्राउंड है और ये मेरी पार्लर वाली चेयर है और यहाँ पर अपना मेकअप वाला सेटअप रख। और मुझे ना ऐसे मेकअप वगैरह करना बहुत अच्छा लगता है, अपना सामान सेट करना। ये देखो मैंने ना, आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, मैं और सबसे पहले लिया है मैंने फाउंडेशन। फर्स्ट टाइम अपने हाथ से अपना मेकअप करने जा रही हूँ। और मेरे पास ना इसको ब्लेंडर भी नहीं है लगाने के लिए, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा था मेकअप का सारा सामान जो पहली बार खरीद रही हूँ, मुझे याद ही नहीं था कि ब्लेंडर भी चाहिए। फिर मैंने कहा ब्लेंडर तो हाथ से मिक्स कर लूँगी। मेकअप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जब हम मेकअप करते हैं ना तो हम अपनी गर्दन को छोड़ देते हैं, गर्दन भी हमें पूरी पेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है, जैसे कि ऐसे छुड़ाने लगती है। अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मिक्स कर दूंगी एक ही में। तो सबसे पहले इसमें डार्क ग्रीन है नहीं है, देखो इसमें डार्क ग्रीन नहीं है, ये है हल्का सा ग्रीन जो मेहंदी कलर में होता है और ये चमकीले वाले हैं। बोझ वाले कलर अच्छे होते हैं, जो चमकीले नहीं होते हैं, सिर्फ कलर हो बस होते हैं, क्योंकि डार्क ग्रीन नहीं है। फिर मैं इसी को ले लेती हूँ, ऑरेंज तो सही है। पर मैंने आई शेडो तीनों कलर मिला के बनाया है, अच्छा लग रहा था, रियल डी में ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, लेकिन कैमरे में लाइट की वजह से उतना दिख नहीं पाता है। लेकिन मैंने तिरंगा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बन तो गया है, लेकिन हल्के हल्के कलर दिख रहे हैं, ये देखिए आपको
साइड में ग्रीन दिख रहा है, बीच में व्हाइट, ऊपर ऑरेंज, लेकिन कलर देखने से ज़्यादा डार्क नहीं है ना, चमक रहे हैं, लेकिन थोड़ा सिंपल ही रखती हूँ आई सर। मस्करा वगैरह तो ज्यादा मेरे पास कुछ है नहीं है, सिंपली मेकअप करना है। आप सीधे आ जाएगा कॉम्पैक्ट अच्छा लग रहा है मेरे। ओहो, कितना स्टाइलिश कॉम्पैक्ट है। देखिए यहाँ पर पाउडर है और यहाँ पर सीसा है, यहाँ पर कई बार कई लोगों का किया है तो मुझे पता चल गया कि ये मेकअप को कितना करना चाहिए, कितना हल्का डार्क, तो मुझसे बनने लगा है मेकअप। यहाँ पर मैंने ना ये कॉम्पैक्ट अपना इससे ही फेस पाउडर वाले फॉर्म से ही लगाया, ब्रश से थोड़ा अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है तो मैंने इसी से लगाया। और मेकअप कम्प्लीट होने के बाद आ गया है हेयर स्टाइल का नंबर, और हेयर स्टाइल का ना थोड़ा सा बालों में ऑयल डलें तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसी बनाऊँ। वैसे आती है हेयर स्टाइल बनाना, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा टाइम लगता है और बहुत सारी पेन इन होती है, तो मेरे पास दो ही चिमटी थी तो फिर मैंने ऐसे ऐसे दोनों साइड से बाल फोल्ड किए, बीच से मांग निकाल के ऐसी सिंपल सी बना ली, और मेरे फेस पर अच्छी लग रही थी। फिर मैंने नहीं किया, मैंने बना के देख रही थी कि नहीं बनेगी तो दूसरी देखूंगी, लेकिन फिर मैंने इसको नहीं बिगाड़ा, यही रहने दिया। नेकलेस भी पहन लिया है क्योंकि गला खाली खाली लग रहा था, इसलिए पहन लिया। वैसे नहीं भी पहनती तो कोई जरूरत नहीं था, सिंपल। और ये वाले इयररिंग मैं सिंपल से पहनूंगी जो दिन प्रदर्शनी से लिए थे, क्योंकि मैंने तिरंगे वाले लेना था लेकिन मुझे मार्केट में दिखे नहीं थे, और दूसरी बात फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर करने के लिए सोचा लेकिन उसमें बहुत महंगे आ रहे थे, 300 रुपये की इयररिंग। मैंने कि इससे अच्छे तो मेरे 40 वाले सही हैं, इसलिए मैंने फिर उसको लिया नहीं था। वैसे बहुत सुंदर बात लग रहे थे। लिपस्टिक का नंबर तो मेरे पास यही वाली लिपस्टिक थी, इसका कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसको लगा लिया है, बस थोड़ा सा डार्क हो गया। मेकअप तो सारा हो गया है, बिंदी लगानी चाहिए छोटी सी, लेकिन है नहीं है मेरे पास। सब आप चूड़ी पहनते हैं ये वाली। तीन कलर की नेल पेंट भी नहीं खरीदी थी, इसलिए मैंने जो वाटर कलर होते हैं ना ड्राइंग वाले उनसे बना ली है। देखिए आप, ब्रश से लगाई है और अच्छी लग गई थी, बिल्कुल तिरंगा बन गया था। इससे नेल पेंट होती उससे चाहे इतना अच्छा नहीं बन पाता, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा बन गया था। मेकअप को मुझे करने के लिए ना मैंने इतनी
दोस्तों जैसे मैंने आपका फाइनल लुक दिखाया था ना मेकअप का, मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया। देखो शिवांशी दिखाओ, शिवांशी की यहाँ तिरंगा बनाया आपका, इसको भी तिरंगा वाली बिंदी लगाई है, आपने भी लगाई है, लेकिन क्या है कि आप लोगों को क्लियर दिख नहीं पा रहा है, थोड़ा सा बादल हो रहा है ना, तो धुंध सी आ रही है। देखो शिवांशी का तिरंगा कैसा लग रहा है, देखो शिवांशी। हाँ खाली लग रहा था तो दोनों में कर ली, अब सही लग रहा है। मेकअप पूरा हो जाने के बाद मैंने थोड़ा सा फ़ोटो शूट कराया, क्योंकि इतनी मेहनत से मेकअप करते हैं ना तो फ़ोटो शूट तो होना ही चाहिए। और फ़ोटो शूट के साथ मैंने एक दो रील भी मामी से शूट करवाई थी, और वो अपनी इंस्टा आईडी के लिए, मेरी इंस्टा आईडी है नंदिनी सिंह 47। आप लोगों को मेरा मेकअप कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, और जो भी कमी लगे मेरे मेकअप में कि मैंने क्या ज्यादा किया है और क्या चीज मैं भूल गई, क्योंकि मैंने अपना मेकअप पहली बार अपने हाथ से किया है, दूसरों का तो कई बार किया है, तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और जो चीज की कमी रह गई हो या कुछ ज्यादा कर दिया हो वो भी बताइए, क्योंकि अगली बार के लिए सुधरेगी मेरी आदत। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कपड़े चेंज करके घर, क्योंकि मैं ऐसे तो रोड में जाऊंगी नहीं, मुझे थोड़ा सा और लगेगा। और कॉलेज में जब मैं मेकअप करूंगी ना तो मैं ड्रेस तो यही पहनूंगी, बस मैं ये वाली चूड़ी पहनूंगी, लेकिन इतने बड़े बड़े ये इयररिंग नहीं पहनूंगी गले में, नहीं क्योंकि सिंपल रहना और ज़्यादा डार्क लिपस्टिक भी स्कूल में नहीं सही लगता ना, वाइट वाइट रखे ना मेरे पास छोटे छोटे, वो पहन लूंगी इयररिंग, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो बस अभी हम लोग चल रहे हैं घर, और इसी के साथ मैं करूँगी अपना वीडियो एंड। मेरा वीडियो पसंद आया है, मेरा मेकअप पसंद आया है, मामी की मेहनत भी पसंद आई है, तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय मामी, बाय।